जब हाजी साहब ने इनकार किया तो सिर्फ एक झूठ सब पर भारी। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने अनोखी कहानी सुना दी। हामिद मीर के मुताबिक ये एक लापता रुकन कौमी असेंबली की कहानी है। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी हैं NA 68 मंडी बहाउद्दीन से 1.5 लाख वोट देकर कामयाब होने वाले वो शख्स जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। PTI का निशान छिन जाने पर इन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं। इनकार पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उन पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उन्हें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में जाने का दबाव डाला गया। दूसरी जानेब स्पीकर कौमी असेंबली ने हाजी इम्तियाज का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। पंजाब पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़ी और इन्हें मफरूर करार दे दिया। स्पीकर साहब को अच्छी तरह पता था कि असल बात क्या है, लेकिन उन्होंने अपने लापता रुकन कौमी असेंबली की बाजियाबी के लिए पंजाब हुकूमत पर कोई दबाव नहीं डाला। हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून साज इदारे का स्पीकर पुलिस के एक झूठ के सामने बेबस है। वजह सिर्फ ये है कि शहबाज हुकूमत मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। फैसले पर अमल दरामद हो गया तो तहरीक इंसाफ को बहुत सी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाना आसान हो जाएगा। पंजाब और वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जमजमा तोप बनाने का फैसला कर दिया गया है, जिसके अहकाम को नजरअंदाज करने के नतीजे में आइनो कानून भी जमजमा तोप बन जाएगा।